Hey guys, welcome back to my channel. Once again, hopes you all are good. So friend, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले बहुत ही स्टाइलिश एंड बहुत ही डिफरेंट डिजाइन के बैंगल्स, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी. एंड गाइज, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि एंड में कि आपको कौन सा डिजाइन सबसे ज्यादा अच्छा लगा बैंगल्स का. एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले, जिससे कि न्यू वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं. गाइज आप देख सकते हैं, आप ये जो बैंगल है ये जयपुरी स्टाइल में होते हैं. इस तरीके के जो बैंगल है काफी अच्छे लगते हैं. अगर आप इन्हें लहंगे के साथ कैरी करते हैं या वेस्ट के साथ कैरी करते हैं तो आपका लुक है काफी अच्छा लगता है. आप अगर इस तरीके के बैंगल कैरी करते हो तो आपको कोई भी चूड़ी कैरी करने की जरूरत नहीं होती. आपका जो हैंड है काफी ज्यादा प्रीटी लगता है. गाइज आप किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी फंक्शन में जाएं, अगर आप नॉर्मल चूड़ी कैरी करते हैं तो आपका लुक इतना अच्छा नहीं लगता है. बट अगर आप उन्हीं के साथ इस तरीके के बैंगल कैरी करते हो तो आपका जो लुक है बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है. आपको जो हैंड है बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगता है. एंड गर्ल्स जो बैंगल है बहुत ही मस्त एक्सेसरीज होते हैं आपके लुक को और भी ज्यादा प्रीटी दिखाने के लिए. तो आप जो गाइज है इस तरीके के चैन प्लीज स्किप मत करिएगा. इस तरीके के जो चैन है रोज रोज नहीं आते हैं. तो आप जो है इस तरीके के बैंगल जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपके ऊपर काफी अच्छे लगेंगे. एंड गाइस प्लीज, अगर आपको हमारे डिजाइन एक भी पसंद आए बैंगल्स का तो प्लीज गाइस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं. एंड गाइज अगर आपको इस तरीके के बैंगल परचेज करने आप ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज गाइज हमें कमेंट करके बताइएगा. हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे कॉमेंट बॉक्स में, अदरवाइज हम आपको एड्रेस भी दे देंगे, तो आप डायरेक्ट शॉप पे भी जाके इन्हें बाय कर सकते हैं काफी इजीली एंड काफी रीजनेबल प्राइस में. एंड यहाँ पे आप ये स्टोन वर्क में भी बैंगल्स देख सकते हैं. इस तरीके के जो बैंगल्स हैं आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन की साड़ी या लहंगे के साथ कैरी कर सकते हैं, काफी अच्छे लगते हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैंगल ये राजस्थानी जयपुरी स्टाइल बैंगल्स होते हैं. तो आप इन्हें अगर आप वेस्ट के साथ कैरी करेंगे तो आपका लुक है बहुत ही अच्छा लगेगा. एंड काफी अच्छे से उसके साथ मिक्स एंड मैच हो जाएंगे. एंड ये लाइट वेट बैंगल्स उन गर्ल्स के लिए होते हैं जिनको कि हैवी बैंगल्स पसंद नहीं है. तो आप इस तरीके के भी बैंगल्स यूज कर सकते हैं, कैरी करके पार्टी में जा सकते हैं, ये काफी अच्छे लगते हैं. एंड गाइज अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है तो तब भी आप जो है इस तरीके के बैंगल कैरी करेंगे तो आपका जो लुक है बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगेगा. फ्रेंड्स हम आपके साथ जितने भी बैंगल शेयर कर रहे हैं ये काफी ट्रेंड में चलने वाले बैंगल्स हैं, मार्केट में अभी लेटेस्ट आए हैं, तो ये काफी अच्छे लगेंगे. आपको एक ना एक कलेक्शन अपने पास जरूर रखना चाहिए. फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपके साथ जेरी वर्क एंड गोल्डन वर्क के बैंगल्स इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके के जो बैंगल्स होते हैं हर एक कलर की, जितनी भी डिफरेंट कलर की साड़ी होती है सभी के साथ काफी अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाता है. क्योंकि फ्रेंड्स इतना पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक साड़ी के डिफरेंट कलर की जो साड़ी होती है उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बैंगल्स बाय किए जाएं. तो आपके पास सिल्वर कलर में या फिर गोल्डन कलर में या फिर आप जेरी वर्क में आपके पास बैंगल्स का कलेक्शन जरूर होना चाहिए क्योंकि ये जो कलेक्शन काफी अच्छे से आपकी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच हो जाते हैं. सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो. उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज गाइज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं. साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें. तो चलिए गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी स्टाइलिश, बी ब्यूटीफुल.